Congress has charged Subramaniam Swamy of being a bit of a loose cannon and not respecting the top brass of the BJP regime. Subramaniam Swamy aajkal Pradhan Mantri Narendra Modi ji ki aghoshit parvakta ke roop mein kaam kar rahe hain. Jo unko karna hota hai wo inke madhyam se, chahe wo vipaksh ke netaon ke khilaf bolna ho, chahe sarkari kisi padadhikari ke khilaf, kya constitutional authority ke khilaf bolna ho, वो इनके माध्यम से बुलवाते हैं. अब पीछे आपने देखा होगा कि रघुराम राजन जो आरबीआई गवर्नर, उनके खिलाफ भी अनेक आरोप ऐसे लगाए गए. एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय वो कल से ही प्रचलित है मीडिया के माध्यम से, महाराष्ट्र में के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविंद्र चौहान ने दलितों को एक सुअर के बराबर उनकी संज्ञा दी है. ये ऐसा अपमानित करने वाला बयान है जो एक रिपीट करते हुए कहते हुए भी बहुत शर्म आती है. एक तरफ नरेंद्र मोदी जी दलितों के लिए बढ़ चढ़ के अपनी बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महिमा मंडित करते हैं, उनका देश के प्रति संविधान निर्माण के माध्यम से जो योगदान है उसका विशेष रूप से उल्लेख करते हैं, लेकिन जो दलित समाज से संबंधित जितने मुद्दे हैं उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं करते हैं.